अस्सलाम वालेकुम, मैं समरा अस्लान, समराज किचन से। आज हम रेड बीन्स बनाएंगे। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने बॉयल्ड लोबिया लिया है यहाँ पे। मैंने इसको पहले से बॉयल कर लिया नमक डाल के। इसके अलावा मुझे चाहिए होगी टमाटर प्यूरी। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो आप सिंपल टमाटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ली है एक प्याज, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। इसके अलावा अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पे। इसके अलावा मैंने लिए है ग्रीन चिली और रेड चिली। मेरे पास दोनों थी इसलिए मैंने दोनों ही ले ली। लेमन, हाफ लेमन यूज़ करेंगे हम इसमें, और अदरक। इसको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया। हम इसका एंड पे तड़का लगाएंगे। मसालों में मैंने ली है लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, जीरे का पाउडर और ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। सबसे पहले थोड़े से ऑयल में हम अपनी प्याज को सोते सा कर लेंगे। ये देखिए सोते सी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्चें वगैरह, और मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी डाली हैं। ये मैंने घर की पीसी हुई मिर्चें थी मेरे पास, इससे इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। सब मसाले इसमें ऐड कर दूंगी सिवाय गरम मसाले की। अभी हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। इसको 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने रेडी की थी वो डालेंगे, और उसको भी 1 से 2 मिनट पकाएंगे। एक से दो मिनट पकाने के बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। अगर आप सादे टमाटर ले रहे हैं तो आप इस वक्त वो डाल के उसको 2 घूंट पानी के साथ मसाला इसका बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे, तो आप इनको चमचे की मदद से आप इसको मैश कर सकते हो। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ऑयल साइड पे नज़र नहीं आने लग जाए। जब ऑयल साइड पे नज़र आने लग जाएगा तब हम इसके अंदर अपने बीन्स डाल देंगे, क्योंकि वो बॉयल बीन्स हैं। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने बीन्स को बॉयल करते वक्त ऐड कर दिया था। अब ऑयल अच्छे से नज़र आ रहा है, मैं अपने रेड बीन्स जो मैंने बॉयल किए थे वो अब इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आँच पर रख दूँगी, ताकि बीन्स में भी अच्छी तरह से सारे मसाला लग जाए और उसका फ्लेवर अच्छी तरह से उसमें आ जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे बीन्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो हमने गरम मसाला बचाया था वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये खास बीन्स चावलों के साथ खाए जाते हैं, ये वाले बीन्स जो मैं आपको भी बनाना सिखा रही हूँ। रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा आपको चावलों के साथ आएगा। इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें हाफ लेमन जूस डाल दूंगी। लेमन जूस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और इसका फिर हम तड़का रेडी करते हैं। तड़के रेडी करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में मक्खन लिया 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून घी। ये पिघल जाएगा तो मैं इसमें ग्रीन चिली और रेड चिली जो मैंने ली थी वो डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें अदरक भी ऐड कर दूंगी। इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है उतनी देर तक मैं अपना मसाला जो हमने रेड बीन्स रेडी किए हैं वो एक प्लेटर में निकाल लेती हूँ। रेड बीन्स को हम बाउल में निकाल लेंगे, सर्विंग बाउल में। अच्छी तरह से निकालने के बाद हमने जो तड़का रेडी किया वो इसके ऊपर डाल देंगे, सब जगह फैला देंगे अच्छी तरह से। हमारे मज़ेदार से रेड बीन्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।